गोपीपुरा मोमनावाड़ हुसैनी चौक में सैखुल इस्लाम ट्रस्ट सूरत की जानिब से जरूरतमंद लोगों को चश्मा वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सैयदना अहमद कबीर रिफाई रदियल्लाहु ताला अन्हो की दरगाह के उर्स शरीफ के मौके पर सैखुल इस्लाम ट्रस्ट सूरत की जानिब से जरूरतमंद और मध्यम वर्गीय लोगों की आंखों का चेकअप कर उन्हें चश्मा वितरित किया गया। पिछले कई समय से इस ट्रस्ट द्वारा ऐसे नेक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं और इस बार भी इस उर्स शरीफ के मौके को और खास बनाने के लिए करीब 150 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों की आंखों का चेकअप कर उन्हें चश्मा वितरण किया गया। ये आयोजन इस ट्रस्ट की ओर से दूसरी बार किया गया है। इस अवसर पर शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के सभी सभ्य और अग्रणी उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। मेरा नाम तौफिक भाई है। और आपकी पोस्ट? मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। और इस चश्मा वितरण कार्यक्रम के बारे में आप? ये शेखुल इस्लाम ट्रस्ट का एक कैंप है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। अभी तक तकरीबन 100-125 लोग कुछ गए हुए हैं। अभी भी और भी लाइन है। तकरीबन अभी एक घंटा और जाएगा तो लगभग 250-300 के आसपास भी ये टेस्टिंग होगा जी। इस ट्रस्ट के अलावा और कौन से ट्रस्ट मिलाकर इस तरह सेवा देते हैं? अभी तक हमने किया है मोदी साजा मिशन सूरज ब्रांच के साथ हमने किया था। उसके बाद फैज बाबा जो बड़ी गादी है बस में गुलिस्तानी रिफाई उनके साथ भी हमने काफ़ी अच्छा सा काम किया है और काफ़ी दूर दूर तक भी हमने कैंप किया कि जैसे सूरत है भरूच नवसारी बिल्लीमारा मगई माजदा गाम और भरूच के करीब करीब गाँव में काफ़ी अच्छा सा हमने कैंप किया था। और हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक मित्र आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश दें? बस संदेश तो ये है कि भाई अगर आपको आँखों के बारे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जल्द से जल्द किसी भी नज़दीकी जो भी दवाखाना है हॉस्पिटल है वहाँ जाके चेकअप कराओ क्योंकि वो आँख अगर आपका होगा सही होगा तो वो आँख आपको सही रखेगी। जी हम शेखुल इस्लाम ट्रस्ट द्वारा यही संदेश देना चाहेंगे वो ये कि भाई खिदमत खल्क करना हम सबकी जिम्मेदारी है और जो लोग हमसे निचले तबके के ऊपर है हमें चाहिए कि हम उनका हाथ पकड़कर उनको उठाएं उनको ऊपर लाने की कोशिश करें और उनकी तकलीफ़ों को समझकर उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के प्रोग्राम बनाएं।